आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर जब योगी सरकार बनी थी, दूसरे कार्यकाल में 2.0 शुरुआत हुई थी, उसके बाद तमाम जो एग्जिट पोल थे वो ध्वस्त हो गए थे। कहा जा रहा था कि सपा सरकार आने वाली है, पर तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए योगी सरकार द्वितीय कार्यकाल की शुरुआत हो गई। 10 मार्च को परिणाम आया और 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। और तब जब शुरुआत की, तब एक योजना के तहत, एक रोडमैप के तहत काम करने की बात कही गई, उसके तहत लगातार काम किया जा रहा है। 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, तमाम तरह के रोडमैप बनाए गए और कहा गया कि प्रत्येक रोडमैप के अनुसार ही काम किया जाएगा और उसके लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार उसी हिसाब से काम कर रही है। खैर, लगातार तैयारियां, लगातार काम, उसके बीच में G20 सम्मेलन, उसके बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 33 लाख करोड़ का ऐतिहासिक लक्ष्य पाने की बात सरकार द्वारा की गई, 18,643 MU। हालांकि जो भी MU हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको धरातल उतरने में अभी समय लगेगा, क्योंकि 33 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा तो किया है पर उसको धरातल पर आने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि योजनाएं इतनी जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, बन नहीं पाती है। फैक्ट्रियाँ हों या औद्योगिक इकाइयाँ हों, बहुत जल्दी लगती नहीं है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 25 मार्च को विशेष तैयारियां की जाने वाली हैं। ये तैयारियां इसलिए होने वाली हैं क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी जिलाधिकारी 25 मार्च को वहां पर अपने अपने जिले में कार्यक्रम आयोजित कराएंगे, सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और कार्यक्रमों में सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे और जनता को बताया जाएगा कि पिछले 1 साल में योगी सरकार ने क्या किया और जिस भरोसे के साथ जनता ने दोबारा मौका दिया था, 10 को पुराना मिथक टूटा था और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुनरावृत्ति हुई थी, उसको लेकर जानकारी, अच्छाई और सबसे संबंध बनाकर यहाँ पर एक उदाहरण पेश करना है कि आगे वाले 4 साल में भी योगी सरकार कीर्तिमान स्थापित करेगी। खैर, कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। योगी की 2.0 सरकार में कुछ भी प्रदेशवासियों को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ झूठ मिला, फरेब मिला, किसानों की जान चली गई। हत्यारे गृह मंत्री ने किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई, आज भी वो अपने पद पर है। लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार के सहारे केंद्रित है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा मित्रों को नौकरी नहीं दे पाई, अनुदेशकों को स्थायी नियुक्ति नहीं दे पाई, किसानों से वादा किया था कि हम गन्ना लेंगे, आज तक गन्ने के ऊपर कोई दाम नहीं बढ़ाया गया, आज भी गन्ना किसानों का पैसा बाकी है। तो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना, तानाशाही करना, ये इस सरकार का कृत्य है। हम लगातार सड़क से सदन तक जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इस तानाशाह सरकार को भले ही जनादेश मिल गया, लेकिन जनता को सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल पूरे होने वाले हैं। जनता ने इनको दोबारा मैंडेट देने का काम किया, दोबारा इनको प्यार देने का काम किया, विश्वास करने का काम किया, पर जनता को क्या मिला? वही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को, गन्ने किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा, आलू किसानों की स्थिति ये हो चुकी है कि आज एक कोल्ड स्टोरेज गिर गया कि कोल्ड स्टोरेज आप व्यवस्था नहीं कर पाए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे बड़ी बड़ी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं किसानों के लिए, हम गोदामों की बात करते थे, क्या हुआ उन गोदामों का, क्या हुआ उन कोल्ड स्टोरेजों का जिन पे आप बड़ी बड़ी बातें करा करते थे कि साहब हम क्रिएट कर रहे हैं। आलू किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उनको फेंकना पड़ रहा है आलू।
से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तैयारी चल रही है, अभी हाल में ही योगी सरकार का एक आदेश और था कि नवरात्रि में जो दिन होंगे वहाँ पर देवी मंदिरों में पूजा पाठ भी होगा, रामचरितमानस भी होगी, रामायण भी होगी और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर आदेश है कि समस्त जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे 25 मार्च को, उसमें सांसद विधायक शामिल होंगे और जनता के बीच सरकार की एक साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। मैं पूरी चर्चा में मेहमान जो रूबरू करा दूँ, केसी जहाई भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, चंद्रेश सिंह कांग्रेस अपना पक्ष रखेंगे, वे पांडे सपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे इमरान लतीफ भाई अपना पक्ष रखेंगे और दिलीप यादव राजनीतिक विशेष रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा किसी जन से रहेगा, किसी भाई उपलब्धि गिनाने का समय आ गया है, 25 मार्च आ गई है, ऐतिहासिक क्षण था और ऐतिहासिक क्षण इकाना में सबने देखा था, महत्वपूर्ण पारी, दूसरी शुरुआत और एक साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, जिसको लेकर सरकार अब उपलब्धि भी गिनाएगी, जनता के बीच जाएगी भी और सरकार के तमाम प्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे भी, सांसद विधायक भी शामिल होंगे और जनता के बीच रूबरू होंगे और बताएंगे क्या कुछ हमने बेहतर किया है। कैसे देखते हैं इस आदेश को? देखिए गौरव जी, पहली बात तो यह है कि हम तो इसको इस तरीके से कहेंगे जी कि सरकार की एक तरफ जहां उपलब्धियां जनता तक पहुंचेंगी जी, वहीं पे जिस विभाग के जो मंत्री हैं जी वो अपना अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे कि एक साल में उन्होंने क्या किया। अच्छा, और हमें लगता है कि हर एक प्रदेश की सरकारों को ये करना चाहिए जी कि प्रतिवर्ष की जो उनकी उपलब्धियां हैं जी या उनका जो रिपोर्ट कार्ड है जी वो जनता के बीच में आना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव में पार्टियां जाती हैं, सरकार को दोबारा गठन करने का अधिकार जनता को 5 साल के बाद मिलता है, लेकिन जनता को ये जानने का अधिकार प्रतिवर्ष है कि एक वर्ष में आपका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा। इसके पहले जब 2022 में इलेक्शन थे तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और जनता ने उस पर मोहर लगाई और उसके अनुरूप जनता ने नंबर दिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 37 सालों के बाद अगर कोई पार्टी रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट। तो हमें लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा है और इसको हर एक प्रदेश में, हर एक वो चाहे भाजपा की सरकार हो या ना हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रतिवर्ष जनता के सामने रखना चाहिए। तो एक तरफ तो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आएगा, दूसरे जो चीज जो विषय आपने रखा है बिल्कुल जाहिर सी बात है जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचेंगी। रही बात ये कि ये भी बात हो सकती है कि अगर आपने किया है तो बताने की क्या आवश्यकता है जी। होता क्या है कि जो व्यक्ति जिस विभाग का से जुड़ा हुआ होता है जी, जिसकी जहां पर आवश्यकता है उसके बारे में सब कुछ जानता है। अच्छा, लेकिन दूसरी चीजों के बारे में वो नहीं जान रहा होता जी। अगर हम कृषक नहीं है तो कृषि क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है और कृषि क्षेत्र पे लगातार सवाल उठते हैं। अच्छा, तो हमें जानकारी नहीं होगी। अगर हम रेलवे के कर्मचारी हैं तो परिवहन निगम में क्या हो रहा है हमको उसको जानकारी नहीं है जी। परिवहन निगम में क्या हो रहा है अगर हम रेलवे में कर्मचारी हैं तो। अच्छा, इसलिए जनता के सामने जो जो मंत्री हैं, जितने ही विभाग के मंत्री हैं, सबको अपना अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए और यही सरकार करने जा रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए इसके पहले सरकार ने एक चीज और की जिसको अभी तक विपक्ष लगातार कह रहा था, आपने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, किसी को कोई लाभ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा, लेकिन उसके बाद में जब हमने लाभार्थी सम्मान योजना शुरू की जी, तब इसी विपक्ष के अंदर पीड़ा और दर्द शुरू हुआ जी। विपक्ष ने उस सम्मान जो सम्मान का हमने कार्यक्रम किया उसको भी कटघरे में लेकर के विपक्ष ने खड़ा करना शुरू कर दिया। अच्छा, अरे जब आप सवाल पूछ रहे थे आपने कुछ किया ही नहीं, फिर अगर जो लाभार्थी हैं जिनको हमने आवास दिया, सरकार ने जिनको आवास दिया और सरकार उनको सम्मानित कर रही है तो भाई आपको आवास मिल गया, आपको चाबी मिल गई मकान की, आपको बना बनाया मकान मिल गया। अच्छा, आपने गृह प्रवेश कर लिया नहीं कर लिया, जब ये चीजें जनता के सामने आई तब वो विपक्ष को उसमें भी पीड़ा होने लगी। अच्छा, तो बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड जनता को पीड़ा बहुत होती है क्या, जो भी मंत्री है उनको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए और जनता को उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही आगे सरकार बनानी है, बदलनी है, क्या करना है उस पे जनता निर्णय लेती है, ठीक है। और ये चीज जनता एक बार करके दिखा चुकी है। नेता सभा विवेक पांडे भाई, क्या पीड़ा है आपको? यहाँ पर अच्छी बात है, दूसरा कार्यकाल है, एक साल की उपलब्धि सरकार गिराने जा रही है, जो काम किया है उसको बताएगी, रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी और सांसद विधायक भी शामिल होंगे, बड़ा क्षण भी है 25 मार्च ऐतिहासिक
एक तारीख है जहां पर दूसरे कार्यकाल की शुरुआत यहां पर हुई थी और तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए सरकार दोबारा सत्ता में आई 36 साल पुराना मिथक को तोड़कर, कैसे देखते हैं? पहले तो मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्टों को मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करता हूँ, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। बहुत जरूरी भी है, हर सरकार के कार्यकाल में ये जरूरी होता है कि सरकार अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाए। अच्छा, और ये होना है, होता है, परंपरागत चीजें हैं। अच्छा, सरकार की अच्छाइयां आलोचना होती है तो सरकार के अच्छे कार्यों की भी सराहना होनी चाहिए, चाहे वो सरकार हमारी हो चाहे किसी की हो। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कार्य अच्छे हो तो अच्छा। अब जैसे सवाल कहाँ उठता है, देखिए संशय कहाँ आ जाता है, इतनी सारी बातें कर दी, पूरा घुमा डाला, लेकिन जो कार्य क्या किया अभी तक के कार्यकाल में वो नहीं बताया। चलिए ठीक, मैं बता देता हूँ। ये वो कार्यकाल है गौरव भाई, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा युग अच्छा। जहाँ पत्रकार अगर सवाल पूछे तो उसको हथकड़ी से नवाज दिया जाता है। अच्छा, एक ज्वलंत उदाहरण दे देता हूँ, इनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे नमूने हैं। अच्छा, अरे नमूने का मंत्री है भाई। अच्छा हाँ, सॉरी मंत्री है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, शब्द वापस लेता हूँ। ऐसे ऐसे मंत्री हैं अपरिपक्व मानसिकता से प्रेरित कि एक मंत्री इनकी गुलाब देवी। किसी जन भाई मुस्कुरा देंगे क्योंकि ये घटना इनको बखूबी पता है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आगे की लाइनें क्या है वो इनको पता है। अच्छा, एक मंत्री गुलाब देवी से उनके काम को लेकर के एक यूट्यूबर ने, जो कि न्यूज चलाता है, वीडियोस बनाता है, सरकार के अच्छे कार्यों को भी दिखाता है, बुरे कार्यों पे भी उनकी आंखें खोलने का काम करता है, तो उसने कुछ सवाल पूछ लिए। अच्छा, मंत्री जी को गुस्सा आ गया और मंत्री जी ने क्या किया, तत्काल उसको हथकड़ी लगवा करके जेल भिजवाने का काम किया। तो धन्यवाद देता हूं मैं न्यायपालिका को। अच्छा, कि न्यायपालिका ने एक कर्रा तमाचा मारा घुमा करके और उसको बेल दे दी। अच्छा, जेल भेजे बिना ही बेल दे दी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अपनी स्थिति का आकलन होना बहुत जरूरी है किसी भी सरकार को, कि सरकार का सिंहासन कितना भी सर्वोच्च हो लेकिन सर्वोच्च केवल न्यायपालिका होती है, उसकी कलम होती है। अच्छा, पहली चीज थी। दूसरे उदाहरण पे आता हूँ, जल्दी बोलिए। अभी एक, नहीं जल्दी तो नहीं हो सकता भाई, इतने अच्छे अच्छे कार्य हैं इनके। अच्छा, मेरठ निवासी एक भाजपा नेता का एक प्रकरण आज चल रहा है, योगेंद्र चौहान, केसी हाँ। भाई जानते होंगे, उनके हाँ। नेता है। अच्छा, कोविड के दौरान दो गरीब बच्चियों को उन्होंने खरीदा, ये मेरठ का मामला है, मेरठ का मामला। हाँ, गरीब बच्चियों को उन्होंने खरीदा बिहार से और एक को अपने पास रखा, एक को अपने दोस्त के पास सौंप दिया ताकि उन बच्चियों की शिक्षा दीक्षा, उनका पालन पोषण हो सके। खबर क्या सामने आती है, आज 3 साल तक उन बच्चियों का लगातार यौन शोषण बलात्कार हुआ और ये रेप का जो मामला है आज सामने आया। ये मुझे लगता है कि सरकार इसे भी उपलब्धि मानती है, इनके भाजपा नेता हैं तो इसको भी जरा स्पष्ट करने का कष्ट कीजिएगा। LDA प्राधिकरण में, LDA किसका विभाग है, LDA प्राधिकरण में आज एक बुजुर्ग को, एक अधिकारी है जिन्होंने तमाचा जड़ दिया, डीके सिंह, और सिर्फ इसलिए जड़ दिया क्योंकि उस बुजुर्ग ने न्याय मांगने के लिए उस अधिकारी के सामने अपनी बातों को रखा कि उसके प्लॉट पे कुछ अधिकारियों ने जबरन कब्जा करवा दिया है। अच्छा, और तमाचा पड़ गया बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को गले में, हालांकि उनके गमछा देख के मुझे एक बार लगा कि कहीं ये भाजपा समर्थक तो नहीं, लेकिन अगर है भी सुन तो नहीं, मुझे नहीं पता, रंग देख करके भाजपा बहुत राजनीति करती है तो थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन मुझे तो ये लगा अगर वो है भी, कितना दुखद है उस व्यक्ति के लिए, एक बुजुर्ग के लिए। अच्छा, जो कि सत्ता के जी अहंकारी अधिकारियों के हाथ से झापड़ खा रहा है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा था योगी जी ने, केसी भाई बताना भूल गया, मैं बताता हूँ, हम मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, किसको, गरीबों को, आम जनता। माफिया के लिए बोला था भाई। अरे सुन तो लीजिए, माफिया तो सारे अधिकारी हो गए इनके। अच्छा, कोई अधिकारी गुंडागर्दी कर रहा है, कोई बुलडोजर अपने मनमानी चलवा रहा है, कोई खड़ा होकर के झापड़ मार दे रहा है बुजुर्गों को, कोई सड़क पे धक्के दे दे रहा है, क्या है ये? तो विपक्ष क्या कर रहा है, हम तो पूछ रहे हैं ना, डिबेट बार बात कर रहे हैं। मैं विपक्ष हूँ, बोलता रहा हूँ सामने बैठ के, आप डिबेट में? हाँ बिल्कुल, डिबेट में भी बोलता हूँ, सड़क पे भी बोलता हूँ, जहाँ मौका मिलता है वहां बोलता हूँ। अच्छा, और मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये सुशासन का काल है तो इन घटनाओं को अगर आप सुशासन मानते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काल है ये। अच्छा, और एक बात, बलिया में आपको याद होगा एक हाई प्रोफाइल मामला आया था, गन व्यापारी जिसने भाजपा नेता के दबाव में सूद की वसूली को लेके खुद रिवॉल्वर से आत्महत्या की थी, उसने बाकायदा वीडियो बनाया था मरने के पहले जी। आपको पता है चारों आरोपी जमानत पाए जाते हैं, क्यों? अच्छा, क्योंकि चार्जशीट फाइल करने में देर हो गई। अच्छा, इतनी, मैं इसलिए कहता हूँ उत्तर प्रदेश के DGP के न होने का ये परिणाम है। DGP है तो भाई कहाँ है, कहाँ है, कार्यकारी क्या होता है,
कार्यकारी क्या होता है? अच्छा। कार्यकारी को अगर गंभीरता से लेते तो चार्जशीट फाइल करने में इतना लेट की चार आरोपी अच्छा। मृत्यु पूर्व कथन को आप मतलब समझते हैं इसका कानून में क्या अर्थ है? किसी भाई सम्मानित अधिवक्ता भी है उनको पता है मृत्यु पूर्व कालिक कथन का मतलब होता है आपका डेथ कंसेंट। आपने मरने से पहले जो बयान दिया उसको शाश्वत बयान माना जाता है। और यहाँ तो चारों आरोपी जमानत पा गए क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट देर से फाइल की। अब देर से फाइल की करवाई गई जो भी मिली भगत हो मैं पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहा लेकिन नेतृत्व न होने का खामियाजा आज ये पीड़ित परिवार भुगत रहा है। अच्छा ऐसे बहुत सारे उदाहरण है लेकिन चलिए ठीक है किसी भाई को मैं आज इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं। सरकार की जी सरकार की उपलब्धि गिना रहे क्या? अरे आप ही ने कहा ना उपलब्धि बतानी है तो उपलब्धि बता रहा था मैं। अच्छा एक उपलब्धि और बता दूं एक उपलब्धि और बता दूं सुन तो लीजिए। अरे मेरी बात आ रही थी ये तो हतोत्साहित हो जाए भाई सत्ता में मैं हूँ क्या गौरव भाई ये क्या है सत्ता के लोगों की सुन तो लीजिए सुन लीजिए किसी चीज के बाद आप ही बोलेंगे किसी भाई इसके बाद आप ही बोलेंगे बात खत्म कर मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को आदरणीय योगी जी को इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की है हर जिले को 1,00,000 रुपए देकर के रामचरितमानस का पाठ होने जा रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश धर्म से सराबोर होने जा रहा है। अभी पहले रामचरितमानस होगी फिर उम्मीद करता हूँ कि फिर 1,00,000 रुपए रमजान के लिए भी जाएंगे फिर 1,00,000 रुपए ईस्टर के लिए भी जाएंगे हर जिले में फिर 1,00,000 रुपए आपके गुरु नानक जयंती पे भी देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सर्वधर्म संभाव के आपकी पार्टी सर्वधर्म संभाव करती थी पहले जब सरकार में थी। चलिए योगी जी ने परंपरा शुरू की हम तो बढ़ा रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे आप मानते हैं ना एक मुख्यमंत्री सर्वधर्म का मुख्यमंत्री होता है मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं है ना। पुजारियों को तनख्वाह देने का काम जो शुरू किया था वो अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। अच्छा ठीक हाँ। दूसरी बात पे सुन लीजिए संस्कृत विद्यालयों का अनुदान देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। अच्छा तीसरी बात पे आता हूँ सबसे बड़ी बात सुन लीजिए सबसे बड़ी बात परशुराम जयंती शुरू करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया लेकिन आज परशुराम जयंती बंद है। आज परशुराम जयंती बंद है धार्मिक प्रकरण नहीं आता। ठीक है छोड़िए ठीक है मेरी बात का जवाब आ जाए जवाब ले लीजिएगा आप लीजिएगा जवाब दे लूंगा मैं जवाब लूंगा तो आलोचना ठीक है ठीक है मैं पूछ रहा हूँ क्या चले हो समय हो गया ये जो फंड दे रहे हैं 75 जिलों में अपनी जेब से दे रहे हैं तो जय माता दी अगर ये उनकी कमाई का हिस्सा है तो जय माता अपनी जेब से कुछ देता कौन है सरकार के पैसे होता है सारे मौसम सरकार के पैसे किए जाते हैं जनता के पैसों का दुरुपयोग होता है नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ मानते हैं ना तो हर धर्म के लोगों के लिए 1,00,000 का अनुदान होना चाहिए उनके मुख्य त्योहारों के लिए तो आप कराते थे वैसा अरे हम तो पूछ रहे हैं पहली बार परंपरा शुरू हुई हम तो मांग कर रहे हैं कि सारे मुख्यमंत्री केवल हिंदुओं के तो नहीं है ना उनको आप ही कहते हैं ना केसी जैन जी कहते हैं मुस्लिमों ने भी वोट दिया पिछड़ों ने वोट दिया आपके भी तो 111 विधायक है आप अपने विधायक क्षेत्र में करा दीजिए जी आपके भी 111 विधायक है आप लोग अपने विधायक क्षेत्र में कराइए ना प्रोग्राम कराइए। अरे सरकार उत्तर प्रदेश सरकार फंड कर रही है ना अच्छा, सरकार फंड उत्तर प्रदेश सरकार सबकी सरकार है अच्छा, किसी केवल हिंदुओं की सरकार तो है नहीं अच्छा, तो मैं तो सराहना कर रहा हूँ अच्छा, मैं तो मांग कर रहा हूँ कि केसी जैन जी एक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके योगी आदित्यनाथ जी को यह संदेश प्रेषित करिएगा वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है चले ठीक है और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। हो गए चंदन सिंह कांग्रेस चंदन भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए हर धर्म हो गए चंदन सिंह भाई कैसे देखते हैं 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है उपलब्धि गिनाई जाएंगी 25 मार्च का ऐतिहासिक तारीख आने वाली है आपकी राय क्या है क्योंकि यहाँ पर तो आपका जो कांग्रेस पार्टी है फिलहाल यहाँ पर राहुल गांधी के बयान और अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को जेपीसी की मांग को लेकर लगातार डटी हुई है फिलहाल मुझे नजर यही आ रहा है कैसे देखते हैं आप जी उत्तर प्रदेश सरकार के कृत्यों को देखने के बाद मैं यही कहूंगा उत्तर प्रदेश में दया रो रही है हया सिसक रही है हैवानियत पनप रही है इंसानियत तड़प रही है धन के धमार में यहाँ कर्तव्य को शर्म आ रहा है अन्याय के अदालत में न्याय जी आवाज नहीं मिल पा रही है को आवाज न्याय करने से की देख ये उपलब्धियाँ बताएंगे हाँ। ये उपलब्धियाँ बताएंगे हाँ। ये बताएंगे क्या ही? अच्छा चंद्र सिंह की आवाज नहीं आ रही जी चंद्र भाई आपको संपर्क नहीं हो पा रहा क्या हेलो बोलिए चंद्र भाई बात में पूरी करिए बोलिए आवाज आ रही है जी आ रही बिल्कुल आ रही बोलिए तो मैं यही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की कृत्यों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में दया रो रही है हया सिसक रही है हैवानियत पनप रही है इंसानियत तड़प रही है धन के धमार में यहाँ कर्तव्य को शर्म आ रहा है अदालत में न्याय को लाज आ रहा है क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक सांसद ये बताएंगे भाजपा के नेता ये बताएंगे केसी जैन साहब ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का हर विधानसभा
विशेषकर इनके मंत्रियों का विधानसभा गड्ढे से मुक्त हो गया है। क्या ये बताएंगे कि इनकी सरकार ने खुले पशुओं के लिए कोई प्रबंधन की व्यवस्था की है? अच्छा, क्या ये बताएंगे कि हाईवे पर किस तरह से जानवरों का एक्सीडेंट हो रहा है, गायों का एक्सीडेंट हो रहा है, गौशालाओं में गाय भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल में जनता के पैसे से ये राजनीतिक ड्रामा करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के अंदर की गई। अच्छा, मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, आज हाईकोर्ट भी उसकी रिव्यू की बात कह रही है, क्या वो अभ्यर्थी जो योग्य थे, जो हकदार थे, उनका हक वापस दिलाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी? जी, आज देश के सामने, प्रदेश के सामने मुद्दा क्या है? अच्छा। आज प्रदेश के, देश के सामने मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि योगी आदित्यनाथ जी प्रत्येक जनपद में धार्मिक उत्सव को कराने जा रहे हैं, रामायण, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती पाठ कराने जा रहे हैं। जी, मैं केसी जैन साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि हमारे घर में तो रोज रामायण का पाठ रोज होता है। अच्छा। हमारे पिताजी का नित्य कृत्य है कि दोपहर में वो बड़े आराम से रामायण का पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ठीक है। और शाम को जब हम लोग साथ बैठते हैं तो अक्सर रामायण के दोहों पर चर्चा भी होती है, ठीक है। हमारे घर की परंपरा है कि हमारे घर पे, गांव पर एक गाय, वो भी देसी गाय जरूर रहेगी, और घर में जब भोजन बनेगा तो गाय करती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निदेशक तत्व राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। और अभी आपने जो वीडियो शुरुआत में चलाया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के संविधान का शपथ लिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य बनाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी भारत के संविधान में भाग 4 में नीति निदेशक तत्व पढ़ लीजिए। अच्छा। और उन नीति निदेशक तत्व में जो बातें कही गई है उसके अनुसार आप कार्य करिए। ये धार्मिक उत्सव कराकर आप जनता को गुमराह करने का कार्य मत करिए। अच्छा। हिंदुस्तान में हर गांव में, ब्लॉक में, जनपद में हर साल लोग यज्ञ कराते हैं और जनता के पैसे से लाखों लाखों रुपए का यज्ञ होता है। ये आपको जरूरत नहीं है, भारत का संविधान भारत को एक सेकुलर स्टेट बताता है और सेकुलरिज्म का भारत में अंतर है, भारत में और यूरोप में अंतर है सेकुलरिज्म में। अच्छा। यूरोप में सेकुलरिज्म का मीनिंग होता है कंप्लीटली सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, इट मींस देयर आर नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ द कंट्री। आ गई बात। लेकिन भारत में सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट शैल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली, राज्य सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान करता है। तो जो बातें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं? आप इस बात का समर्थन करते हैं, विरोध कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि जो आप घर में रामायण का पाठ होता, पिताजी पढ़ते हैं आपके, आपने तमाम बातें बताई, तो आपको इस आयोजनों से दिक्कत है या खुशी है? तो नहीं है, राज्य का जो दायित्व तो है वो भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक निर्धारित किया गया है। और यदि आपको इस तरह का कार्य करना है तो आप प्रोविजन कराइए। अच्छा। वो मुस्लिमों के त्योहार पर, क्या वो ईसाइयों के त्योहार पर, क्रिश्चियनों के त्योहार पर, बौद्धों के त्योहार पर, जैनों के त्योहार पर, सिखों के त्योहार पर इस तरह का बजट एलोकेट करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये हर जिले में राज्य के नागरिकों के पैसे से, मेरे द्वारा जमा किया गया इनकम टैक्स के पैसे से, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने वाले ये लोग, इतना कौन सरकार सोचती है देश के लिए, इतनी हमारे देश के, अगर राज्य का सोचने लग जाए तो क्या हो जाए? ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी सच्चे देशभक्त हैं तो हिडन वर्ल्ड के रिपोर्ट पर अडानी द्वारा इतना बड़ा, अरे वो केंद्र का मामला है भाई, योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे उस पर? योगी आदित्यनाथ जी एक बयान क्यों नहीं देते यदि वो सच्चे राष्ट्रवादी है तो? अच्छा, एक बयान तो दे सकते हैं। बयान आया तो आरबीआई का बयान आया, मुख्यमंत्री का बयान आया है, मुख्यमंत्री क्या बयान देंगे भाई? सेंट्रल बयान देंगे? अरे उसमें जिसके बयान आ रहे, बयान आ चुके भाई, आरबीआई का बयान आ चुका है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का बयान आ चुका है। ये जानना है हिडन वर्ग के रिपोर्ट पर केपी जैन साहब का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का क्या राय है? अच्छा,
ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आप उत्तर प्रदेश, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र से भी बात करूँ, थोड़ा सा समय दे दीजिए, शायद किसी जैन साहब के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच जाए। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। चलिए। और आजादी के बाद से पूर्वी उत्तर प्रदेश लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। अच्छा। और हमारे जिलों में सरकार भी तो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरा जनपद जो है एशिया में सबसे अधिक सुगर मिल रहा है। चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, समय कम है, समय कम है। तो मैं आज डिबेट मिनट शुरू हो गई, ठीक है, कहना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और औद्योगिकरण और संरचनात्मक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, चले ठीक है हो गया। चले ठीक है ठीक है ठीक है। इमरान लतीफ, इमरान लतीफ भाई, उपलब्धियां गिनाने जा रही सरकार और रोडमैप की तरफ काम किया है और अब सरकार अपनी सारी व्यवस्थाओं को बताएगी, जनता के बीच लेके जाएगी। जनता ने बड़ा भरोसा दिखाया था 10 मार्च को और उसका परिणाम 25 मार्च की शपथ ग्रहण में हुई थी। कैसे देखते हैं? बस ऐसे ही देखते हैं कि हमारे यहाँ के एक मशहूर शायर हुए आदम गोंडवी साहब, अच्छा, उन्होंने दो लाइनों में सरकार के सारे कारनामों को जाहिर कर दिया कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। अच्छा। तो ये जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इनकी उपलब्धियां बस इसी तरीके से सबको दर्द है। हाँ। अब दर्द क्या है? दर्द किसानों को है। उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है और सबसे पहला जो दर्द है गौरव जी, वो किसानों को दर्द है। अच्छा। उन किसानों को दर्द है जिन्होंने अभी अभी जमीन से खोद के आलू निकाले और सड़कों पर लेकर घूम रहे हैं और उनको कहीं रखने का ठिकाना नहीं मिल रहा है, कहीं बेचने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। उन किसानों को दर्द है जिन्होंने दिन रात सेवा करके गन्ने की फसल तैयार की थी, लेकिन ये जो नाकाम सरकार रही उसने समय से उसके दाम तक नहीं तय कर पाए। उन किसानों को दिक्कत है जिनकी फसल आवारा पशु चर जाते हैं, उन किसानों को दिक्कत है। एक तरफ तो उनकी खेत की फसल जो है आवारा पशु खा जाते हैं और सड़कों पर उन्हीं किसानों को एक्सीडेंट में हत्या भी हो जाती है बेचारों की। अच्छा। तो ये हालत है। और जिस पर ये बात कर रहे थे, जिस गाय की बात ये चीख चीख कर करते थे, वो गाय जो है वो गौशालाओं में भूखी प्यासी मर रही है, ये भी एक तस्वीर सामने आती है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की बात ये करेंगे तो महिलाओं से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर एक हो गया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी है। ये उपलब्धि बताते हैं, होली दिवाली पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर मुफ्त में देंगे हमारी महिलाओं को। एक सिलेंडर अगर केसी जैन साहब ने कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दिया होली दिवाली पे, तो मुझे बताते हैं ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये अपनी उपलब्धि गिनाते हैं इन्वेस्टर समिट के नाम पर, वो इन्वेस्टर समिट जो आस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक फर्जी एमओयू साइन किया जाता है 35,000 करोड़ का, यह सच्चाई है इनके इन्वेस्टर समिट की। तो कुल मिलाकर चाहे इनसे अभी माफियाओं पर बड़ी सीना ठोक के आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 100 माफियाओं की लिस्ट दे दीजिए, अच्छा 100 ना दीजिए 50 माफियाओं की लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे पाएंगे। 10 माफिया की लिस्ट मांगी जाएगी, नहीं दे पाएंगे। तो गिना चुना जो इनका अपना एक एजेंडा है, एजेंडे के तहत ये कार्रवाई करते हैं। अब भ्रष्टाचार पे आप बात करेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जाके देख लीजिए, पहले धस गया था, अब जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो कुल मिलाकर सड़कों की गड्ढा भरने की बात की थी, चलिए लखनऊ में जैन साहब, गौरव भाई, हम सब लोग घूमते हैं लखनऊ की सड़कों को देखते हैं, गलियों को देखते हैं, पता चल जाएगा कितना गड्ढा भरा। बेरोजगारी का आलम यह है कि ये तो कहते हैं 100 में 4 ही लोग बेरोजगार हैं। हाँ। लेकिन अगर यही चीज ये चौराहे पर आकर कह दे जैन साहब, अगर इनके अंदर दम हो तो हम मान जाएंगे कि हाँ ये सच कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे आप किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, मजदूरों की बात करें, नौजवानों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, हर मामले में जो सरकार फेल रही है वो सिर्फ प्रचार तंत्र के नाम पर, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा पैसे खर्च करके अपना जो है मान सम्मान बढ़ाने की कोशिश कर। पार्टी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती क्या? देखिए आम आदमी पार्टी का तो काम पूरी दुनिया में बोलता है, आम आदमी पार्टी विज्ञापन, अरे आम आदमी पार्टी से कहां मुकाबला कर पाएंगे? ये देश के अंदर सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने का, अगर सबसे ज्यादा महंगी बिजली देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है और सस्ती बिजली देने वालों में दिल्ली और पंजाब है। तो ये शिक्षा के मामले में इनके यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत ये है, सबसे ज्यादा दिक्कत इनको आम आदमी पार्टी से। अरे सुन लीजिए, जवाब दे रहा भी नहीं है। अरे नहीं, 60% विभाग जेल के अंदर चल रहे हो, नहीं जेल के अंदर नहीं चल रहे हैं, आप अडानी का आ नहीं बोल सकते हो। केसी जैन साहब, आपके मोदी जी,
आपका आईटी डिपार्टमेंट, आपकी सेबी, आपका ईडी, आपका सीबीआई, ये सब अडानी से डरते क्यों हैं? अडानी के बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो घोटाले की अगर आप बात करेंगे तो मोदी अडानी जो महा घोटाला है वो देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। मौका दूंगा आपको, ठीक है, देखिए जैन साहब को थोड़ा सा पूरा बात करना, जैन साहब को पानी वानी पिलवाइए। दरअसल ये अभी घोटाले की बात कर रहे थे, मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही कि अडानी का आ बोल दें। अरे हम कह रहे हैं अडानी का नाम तक तो ले ले, चलिए अडानी पर स्पष्टीकरण ना दे, लेकिन अडानी का आ तो बोल ले। अडानी से इतना डर क्यों है कि इनकी सीबीआई से भी नहीं बोल पाती, सीबीआई नहीं बोल पाती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बोल पाता, ईडी नहीं बोल पाती? ये दरअसल ये जानते हैं कि ये इनके ताबूत की आखिरी कील है। मोदी अडानी का जो महा घोटाला है, देश के इतिहास का ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी महा घोटाला। तो ये घोटाले पर नहीं बोल सकते, भ्रष्टाचारियों की सिरमौर है भारतीय जनता पार्टी, सर से लेकर पैर तक डूबी है भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी। तो अब जाहिर सी बात है, कैसे भाई अभी मजा नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार जवाब नहीं दे आपकी आवाज। मोदी अडानी महा घोटाला दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर ये जवाब देने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये अडानी का आ नहीं बोल सकते, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, एक शब्द नहीं बोल पा रहे अडानी के मामले में। सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार के माध्यम से, ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ये जो माहौल बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो दिन अब गए। आप जो कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आप जो सुलूक कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ जो आप सुलूक कर रहे हैं, उसको पूरा देश देख रहा है। आप लाख कोशिश कर लीजिए जैन साहब, मोदी जी लाख कोशिश कर लें इस महा घोटाले को छुपाने का, लेकिन देश का एक एक बच्चा जान चुका है कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी महा घोटाला। आप कितने पंच रचिए, मोदी अडानी महा घोटाले से आप देश की नजर हटा नहीं सकते हैं। देश के इतिहास का, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है मोदी अडानी महा घोटाला। भाई आपका बिजनेस क्या बोलता है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार का एक साल पूरा होने वाला है, रोड मैप की तरह काम किया और उपलब्धि गिनाने जा रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं। जी उपलब्धि तो जो है हमारे जैन साहब बताएंगे, जैन साहब ने बताया नहीं जी, शुरुआत में ही इनको मौका मिला, काफी लंबा मौका दिया था आपने जी, और इनके ऊपर जो है विपक्ष वाले सपा तो दर्द होता ही, वो तो नहीं कहेगा कौन कहेगा, कांग्रेस वाले बोल दिए। तो मैं ये कहूंगा जो है अभी टर्न आएगा, जैन साहब जो है बताइएगा, सबका जवाब जैन साहब ही देंगे भाई, सत्ता पक्ष में जरूर दीजिएगा क्योंकि आपने गिनाया नहीं जी। रही बात एक चीज है, जैसा कि अभी डिबेट के शुरुआत में हुआ कि जो है 25 तारीख को जो है एक साल पूरा हो रहा है 2.0 सरकार जो है योगी जी, सरकार जी, इन्होंने काम तो किया है, अच्छा किया है, और जो है अभी आप देखेंगे जो है उसमें रामायण और वगैरह वगैरह की चर्चा हो रही थी जी। आप एक चीज देख जानिएगा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात है, ये प्रदेश है, मैं पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र है उसमें रामराज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही चीजें हैं, वो सिर्फ जो है हिंदुओं के लिए है, ना कि जो है जैसा विपक्ष वाले लोग भी बोले कि जो है सिख कहाँ चला गया, क्रिश्चियन कहाँ चला गया, मुस्लिम कहाँ चला गया, इन सब चीजों पे जो है कुछ करना चाहिए। अच्छा, निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर जो है इनका बीजेपी का कॉन्सेप्ट जो है हिंदू राष्ट्र का है तो ये जो ये कर रहे हैं वही होगा और कहीं कुछ नहीं होगा, जैसा आकलन मेरा है। अच्छा, और विकास के नाम पे जो है क्या दिया है, तो मुझे लगता है विकास में जो है वही चीजें जो पुरानी योजनाएं जो है सपा के, क्योंकि ये 11वां साल है, 5 साल जो है सपा का मान लें, मान क्या ले 5 साल सपा का है और 5 साल जो है आपका बीजेपी का रहा, तो सपा वाला कार्य जो है वो आगे बढ़ाते हुए जो है 1 साल और इसमें भी चला गया और बीजेपी ने जो है कंप्लीट किया, बहुत से किए हैं बहुत से नहीं किए हैं, गुणवत्ता की बात है उस विकास में, गुणवत्ता में क्या जो है खरा उतरा, जैसे जो है आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया तो उसमें क्या गुणवत्ता रही है, जो बनाया गया जितना जो है चौड़ा जो है सड़क था उसको कम किया, बगल में कैटिल का व्यवस्था थी उसके जो है हाइट की बातें थी, ये सब सारी चीजें जो है वो जनता देख रही है। आप वहीं पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस
वे पे चले जाए तो वो तो आए दिन जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जहां वो हार गए वहीं से जो है पल्लवी जी जो है हैं विधायक, और वहां पे उन्होंने उनके ही क्षेत्र का मामला है कि जो है पुल में दरार आ गई, पुल से पहले जो है सब बैठ गया। तो ये चीज़ें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं कहीं और नहीं दूसरे की बात नहीं करूं, मैं अपना खुद का बता रहा हूं। बोलिए। चिकित्सा व्यवस्था में मैं आज केजीएमसी के में गया था अपना कुछ जो है इलाज करवाने, और दंत चिकित्सा विभाग में गया, वहां पे जो है पिछले 15 दिन से जो है ओपीजी होता, माउथ का जो है पूरा एक्सरे होता है, उसकी रील नहीं है जैन साहब, उसका रील नहीं है। मैं जो है वहां के जो है विभागाध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश किया, रेडियोलॉजिस्ट हैं जो है डॉक्टर रंजीत कुमार पाटिल साहब, पाटिल साहब को भी मैं अपना कार्ड छोड़ के आया, मैं बोला भी बात कर लें, उन्होंने बात नहीं किया। यही कमोबेश जो है ये राजधानी के जो है और यूपी का जो है टॉप क्लास का जो है मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है जी। वहाँ की ये बदहाली है, वही चीज सेम जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के का है, और पीजीआई में भी कमोबेश यही होगा। तो प्रदेश के और जगह पे जो है चिकित्सा मूलभूत सुविधा है देनी चाहिए, इसको जरा सा अपग्रेड करें। सिर्फ ये छापा मार मंत्री जो है पाठक जी को मैं आज ट्वीट करने वाला था, मैं जो है अभी यहाँ छापा मार मंत्री जी को जो है ये होना चाहिए कि जो है कम से कम जो है पैसे ही न कमाए, छापा मार के पैसे ही न कमाए, मैं एकदम चैनल पे बोल रहा हूँ, व्यवस्थाएं सुदृढ़ करें। अब आप जो है अब आप ये कहते रहे अखिलेश सरकार की जो है या नेहरू जी की जो है सरकार रही, ये सब चीजें छोड़ के जो है आप समय बहुत बीत गया है, 6 साल हो गए, आप जो है अपराध में क्या स्थिति है, दिन दहाड़े जो है हत्या हो रही है, मतलब वो इनकाउंटर हो रहा है, लोग जो है गैंगवार कर रहे हैं, गैंगवार ही है, इलाहाबाद उमेशपाल का हत्याकांड जो है गैंगवार ही है, एक गैंग का व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को जो है मार देता है और एक वकील को मारता है, हम सभी जो है आप भी वकील हैं मैं भी वकील हूं, ये चीजें जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है क्या स्थिति है, आप कब जो है डीजीपी जो है परमानेंट डीजीपी कैसे देंगे, शिक्षा में जो है क्या हो रहा है, शिक्षा में जो है बच्चों के साथ जो है और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं हो, अरे राजनीतिक विश्लेषक नहीं करेगा मैं, साल में कोई एक तो काम अच्छा, मैं इससे अच्छा तो आप सुनते ही नहीं, अभी तीन पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों में मैं बात करूंगा, इनके ऊपर भी बात करूंगा, आप परेशान ना हो, हर एक पार्टी को मैं अन्य पार्टियों के बारे में ही बात करूंगा, ये आप परेशान हैं, मैं कंप्लीट कर लेने, चले ठीक है, एक मिनट और दे रहा हूँ बहुत सी चीजें छूट गई थी जैसा, बहुत सी चीजें छूट गई थी गेजी भाई, एक मिनट और दे रहे हैं, सुनिए कॉम्बो है क्या, आप कॉम्बो बोल रहे हैं क्या, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं हो रहा है, 68,000 जो है आप पहले कितने जिलों में भर्ती का था वो कितने जिलों में शिक्षा मंत्री मिल नहीं रहा है, चले आपने सीधे सीधे कह दिया जा रहे हैं, चले छापा मार के पैसा कमा रहे, चले ठीक है, जवाब ले लो, चले बोलिए आपको ये सारी चीजें हैं, और दूसरी बात की जो है आप सुनने के तैयार हैं, कैसी भाई प्लीज कैसी भाई, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट समय है, इनकी बात तो आप जवाब दीजिएगा, जैन साहब दिक्कत इसी बात की है कि आप जो है जब हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक का नहीं सुन सकते हैं तो आपकी पार्टी एक आम जनता की क्या सुनेगी, विपक्ष की क्या सुनेगी, धिक्कार है जो है आप पर रखेगी, आप माफी मांगिए, गलत नहीं कह रहा हूँ, वो झूठे नोक पे रखेगी, पाठक जी पर आप लाचन लगा रहे हैं, पैसा लेने की सबको मारते हैं, आप बताइए किसने कितना पैसा दिया, कितने भाई आदर्श कराइए, कितने का आपने पैसा दिया, ठीक है, दिलीप दिलीप भाई, दिलीप भाई कैसी भाई कुछ बोल रहे हैं, कैसी बोलिए, अच्छा आप दिलीप भाई आप माफी मांगिए, हार मार गए, कह रहे माफी मांगिए, आपने ब्रजेश पाठक से क्यों कहा ऐसा, डिप्टी सीएम क्यों कहा, इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा छापा मारने पैसा कमाने वाले मंत्री छापा मार रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत बुरी, आप मेरी बात जो है
चैनल के माध्यम से पर्सनल बता दीजिएगा ब्रजेश पाठक जी को कि मैं क्या जो है यहाँ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के जो है डॉक्टर विक्रम सिंह को जो है मैंने खुद फोन किया, कितनी बार मैंने मैसेज डाला और बदहाल बदहाल नहीं, कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई पैसे कमाने का आरोप क्यों लगा, कोई रिस्पांस नहीं दिया, जेंट पेंट करा के एनएबीएच का सर्टिफिकेशन था करके सर्टिफिकेशन करा दिया, विपक्ष के प्रवक्ता व्यवस्था बदहाल है, बहुत बदहाल है भाई, आप विपक्ष के प्रवक्ता है क्या, आपको सर्वणी आती है, मैं विपक्ष का नहीं हूँ, सर्वणी आती है आपको, जो मैं एक आम जनता कांग्रेस के साथ ही नागरिक आती है, आम नागरिक के नाते हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो शायद आप को लड़ाई चलती है, सदर के अंदर भी लड़ाई होती है, विपक्ष और सत्ता के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन एक विश्लेषक एक पत्रकार सीधे सीधे कहने की पैसा लेने के लिए छापा मार रहा है, आप मेरी बात पूरी तो सुनिए, किसी ने एफआईआर दर्ज कराई, आप किसी ने अपनी केस दी, आपकी बात तो अधूरी रह गई, आपसे कहा किसी पार्टियों के बारे में तो बोलेंगे, किस जिले में कहा, किस जिले के किस आदमी ने कहा पैसा लिया आपसे, आप नाम उजागर करिए, आप नाम उजागर करिए, नहीं तो क्षमा मांगिए आप इस बात के लिए, जी आपने आरोप लगा दिया कि पैसा लेने के लिए छापा मारते, यानी एक मंत्री काम कर रहा है, एक मंत्री छापा मार रहा है, लोगों के अंदर भय पैदा हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, लोग अपने क्लिनिक में सुधार कर रहे हैं कि कहीं मेरे वहाँ छापा पड़ जाए, किससे पैसा ले लिया, आरोप लगा रहे हैं पैसा लेने के लिए छापा पड़ रहा है, अरे छापा पड़ ले, चलिए ठीक है जवाब लेता हूँ, अरे नाम बताइए किससे पैसा लिया है, अपने आप ठीक से काम करने लगते हैं, जैन साहब आप जो है मैं चिकित्सा व्यवस्था पे कह दिया तो आप तिलमिला गए, आपने पैसे ले नहीं, यही बैठे हुए जो है लखनऊ के जो है इतने जो है, सुन रहे हैं मैं बात बता रहा हूँ, लखनऊ के इतने जो है नर्सिंग होम है यहाँ के जो है इतनी जो है ये कितने से काम नहीं चलेगा, की दवाएं की दुकानें हैं कि आप उनका अगर लाइसेंसिंग चेक कर लेंगे तो आप कहेंगे क्या हो जा रहा है, जो पैसा नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया वो जो है सील हो गया, आपके चैनल के माध्यम से सुनिए, मैं सारे जो है डॉक्टरों का माफी मांगी आप ऑनलाइन बैठ करके, चाहे वो केजीएमसी का डॉक्टर हो, चाहे जो है राम मनोहर लोहिया का हो, ये यहाँ पे जो है प्राइवेट में बैठ के कितने पैसे देते सारों को बता दूं, दिलीप भाई आप आरोप लगाए तो ऊपर दिलीप भाई, दिलीप भाई, दिलीप भाई, दिलीप भाई उनका कहना केजी भाई, दिलीप भाई उनका कहना केवल ये है, आपने आपने जो कहा है कि छापा मार के पैसा कमाते हैं उसका जवाब दीजिए आप, डिप्टी से आरोप लगाया, जब आप जो है आपके जो है जो यहाँ के जो है डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेज के हो गए या फिर जो है आपके राम मनोहर लोहिया के हो गए, अन्य जो है जगहों के जो भी डॉक्टर हैं, अगर दूसरी जगह जो है सरकारी नौकरी में है उनको जो है गवर्नमेंट जो है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देता है, गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसके बावजूद वो किसी हॉस्पिटल में जो है, मैं पूरी संजीदगी के साथ होशो हवास में बोल रहा हूँ, ये जो है सीएम योगी जी से भी बोल दीजिएगा, ब्रजेश पाठक जी से बोल दीजिएगा, और नहीं हिम्मत हो मेरे साथ चले, मैं छापा मरवाता हूँ जो है, औचक निरीक्षण करवाता हूँ, पकड़वाता हूँ जो है जितने डॉक्टर, आप अपनी बोलती बंद करिए, बंद करिए अपनी, आप मैं अपने आरोप बता रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ, जिसने कहा आरोप लगा चलिए हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, चलिए चलिए हो गया, चलिए ठीक है, दिलीप पांडे बोलेंगे, दिलीप पांडे बोलेंगे, दिलीप पांडे बोलेंगे, ठीक है, अगर कुछ गलती है तो छापा किस बात के लिए रहा है, भ्रष्टाचार उजागर किस बात का हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग के भ्रष्टाचार तो उजागर हो रहे हैं, चीजें सही नहीं है ना, व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन ये चिल्लाने लग रहे हैं, इस तरह उदन लाभ कर रहे हैं, अच्छी बात है क्या, सरकार में है, सत्ता में, संयम होना चाहिए जी, बोलिए शालीनता के साथ, ये तो सरकार है भाई, देवी पांडे बोलना चाहिए पहले, अच्छा सत्ता में अगर कोई छापे मार रहा है, कोई भ्रष्टाचार की बात बाहर आ रही है तो व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है, आप अगर देवी भाई ये आरोप लगाना कि पैसा ले रहे हैं छापा मार रहे हैं, ये बात समझ, ट्रांसफर पोस्टिंग भ्रष्टाचार का एक समीकरण, अच्छा आदरणीय वैभव कृष्णा जी ने योगी जी के पहले कार्यकाल में उजागर किया था, अच्छा याद है आपको, अच्छा जिसमें की लगभग 7 IPS
समाजवादी पार्टी की सरकार में, अरे आप तो चुप हो जाइए भैया, समाजवादी पार्टी से पैदा हुए आप, तो बता दीजिए समाजवादी पार्टी की पैदाइश है, शांत हो जाइए आप, पापा पापा होता है शांत हो जाइए, समय नहीं है, अरे बिल्कुल होता है, इनको बोलिए ये आदत छोड़ दे, चार लोगों ने आरोप लगाया, फिर मैं वही बोलना शुरू करूंगा, इनको बुलाना जाएगा, आप हमारा जवाब ले लीजिए, सबसे टोकेंगे और मैं इनको फिर ठोकूंगा, इनके सत्य को उजागर करते हुए देखिए, और एक सत्य सुन लीजिए, हरदोई बेनीगंज ग्राम सभा गेंदलापुर मजरे मानपुर नगुआ ग्राम सभा के रामपुर गाँव में 5 साल पहले 2 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होता है, मंशा थी उपकेंद्र में AANM मौजूद रहेगी, टीकाकरण व अन्य सेवाएं ग्रामीण लोगों को मिलेगी, आज आपको पता है वहाँ पे क्या है, आज वहाँ गोबर घूरा और कंडे, आज वहाँ गोबर घूरा और कंडे पाते जा रहे हैं, आज वहाँ गोबर घूरा और कंडे पाते जा रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूँ जांच हो जाए तो इस उपकेंद्र का परिणाम दिखाई देगा, चलो ठीक है ठीक है, अगर जांच हो जाए तो इस उपकेंद्र के नाम पे बजट कागजों पे दिखाई देगा, लेकिन आज यहाँ पे गोबर घूरा और कंडे पाते जा रहे हैं, हरदोई बेनीगंज ग्राम सभा गेंगलापुर मजरे मानपुर नगुआ ग्राम सभा के रामपुर गांव में 5 साल पहले लाखों रुपए की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया, मंशा और उद्देश्य यह अच्छी थी कि वहां पे AANM मौजूद रहेगी जो ग्रामीणों को टीकाकरण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं देगी, लेकिन आज वहां पे गोबर घूरा कंडे पाते जा रहे हैं और उसके बाद भी ये बैठ करके सुशासन दिखा रहे हैं हमें। भाई मैं तो एक सवाल फिर पूछूंगा, अभी देखिए इनकी आवाज बाहर आई, इनको फिर मिर्ची लगा, 5 करोड़ के कनेक्शन का कहा गया ना, भाई नंदी का तो नाम ही नहीं ले रही है कोई, नंदी का तो नाम गायब हो गया, इतनी तेज सरकार, इतनी भ्रष्टाचार को संरक्षित करने वाली सरकार, क्या बोल रहे थे सरकार की उपलब्धि, चलिए मानिए 69 हजार शिक्षक भर्ती में आपने भ्रष्टाचार किया, आपकी उपलब्धि थी, मानिए 2021 के UPSI के पुलिस इंस्पेक्टर की भर्तियों में आपने भ्रष्टाचार किया, बोलिए आपकी उपलब्धि है, जिसके सामने इन्होंने सदन में झूठ परोसा, खन्ना जी ने कहा सारे जितने भी रिट फाइल थे सब खारिज है, 3 मिनट अभी भी लंबे, बारी बारी बोले मजा नहीं आएगा ऐसे, बारी बारी बोले, किसी भाई छोड़िए, अभी मौका दूंगा, छोड़िए ये सत्ता के फर्जी वाला प्रस्तुत करते हैं, वन बाय वन हमसे सवाल, लाखों युवा करोड़ों युवा 5 लोगों को मौका दे रहे, युवा बोलने का मौका नहीं दिया, आप मौका दूर रहा, इनका सत्य देखा, अभी जवाब देंगे, इनका सत्य देखा, अभी आप जवाब देंगे, अभी पूरी बात रखूंगा, इनका सत्य देखा है, इको गार्डन चलिए, जी बोलिए, 69 हजार शिक्षक भर्ती के देखिए अभ्यर्थी सक्रिय हो गए, समय हो गया, 69 हजार शिक्षक भर्ती पे बोलिए ना, इन्होंने भ्रष्टाचार क्या उपलब्धि है, 2021 के UPSI स्कैम बोलिए उपलब्धि है, बोलिए ना, घोटाला कैसे ठीक है, घोटाला किया है, चोर है सबके साथ, चोर है भाई, भाजपा में चोर है, भाजपा में अधिकतर लोग चोर है, भाजपा में अधिकतर चोर है, भाजपा में अधिकतर चोर है, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे मौन सरकार, उसको आप क्या कहेंगे सुशासन, भ्रष्टाचार पे बहुत सरकार को क्या कहेंगे सुशासन, सुशासन चिल्लाने से केवल होता है क्या, गुंडों को संरक्षित करने वाले लोग हैं, आप भूल गए बिकनू कांड के पहले एक STF ने लिस्ट निकाली थी माफियाओं की जी। है ना, उसमें विकास दुबे का नाम नहीं था, किसने नाम हटवाया था उसका, जवाब आज तक नहीं दे पाए, आज तक जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद जवाब नहीं है, अतीक अहमद का जो कनेक्शन आया नंदी के साथ, नंदी का इस्तीफा नहीं ले पाए, हिम्मत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, राजनीतिक नैतिकता नहीं है, क्योंकि द्रोही हो गए, और सुनिए अब वो 5 करोड़ रुपए सुविधा शुल्क था, भ्रष्टाचार था, और लोग भी है, इनका हिस्सा था, पहले भाजपा आगे कमेंट लेना, आगे कमेंट लेना, ठीक है ठीक है, कैसी भाई, कैसी भाई, बोलिए जल्दी बोलिए, फिर झूठ परोसेंगे, देखिए विवेक, देखिए गौरव जी, जल्दी बोलिए, पहली बात तो है कि 1-to-1 आप जवाब लीजिए जी, अगर एक लोगों का पूरा, अरे भाई मैं तो खुद चाहता हूँ, पर बीच में पूछ जाएगा तो कौन जवाब देगा भाई, आपको जब मैं 1-to-1 की बात कर रहा था बीच में कूद गए थे, उस दिन मेरी आवाज दबी थी, मैंने कहा था कि मैं पलट के आऊंगा, आपका झूठ नहीं चलने दूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी जी अपने 1 साल का जी पूरा की पूरा जी जो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड है वो लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, ठीक है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जी, जो इनको सवाल करने हैं जी, सवाल करने का इनको अधिकार है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर, लेकिन जनता को 5 साल के बाद सरकार को बदलने का अवसर मिलता है, 5 साल में जो कुछ भी जिस तरीके से ये गिना रहे हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी की योगी वन की सरकार ने कुछ नहीं किया, आपकी 2012 से लेकर 2017 की सरकार ने सब कुछ किया था, फिर भी आप 50 का आंकड़ा नहीं कर पार कर पाए,
तब तो आपके पास सरकार थी, आप तो 15 साल सत्ता के बाहर थे, आप तो 15 साल सत्ता के बाहर थे, आप तो 15 साल सत्ता के बाहर थे, आप इतनी नैतिकता रखते हैं कि एक सीट से आपकी सरकार गिर गई थी, आप 15 साल सत्ता से बाहर थे, 10 साल का हवाला देते हैं, 500 रुपए विकास की परिधि की जमीनी रेखा तो खींची नहीं कभी, समाजवादी कार्यों का फीता काट रहे हैं बताइए ना, इसलिए 500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता, अंतर्राष्ट्रीय नेता इनके नेता अंतर्राष्ट्रीय बलात्कारी घोषित हो गए, सिडनी में 5 कोरिया नियुक्तियों के साथ हो गया हो गया हो गया अंतर्राष्ट्रीय बलात्कारी हो गए, आखिरी कमेंट अरे किसी जी मालेश धनखड़ पता कौन है अरे किसी जी मालेश धनखड़ अरे कैसी जी 2014 में सिडनी अरे ठीक है हो गया भाई इमरान लतीफ आखिरी कमेंट से समाजवादी पार्टी के नेता हाथ मिलाते थे, अहमद से 5 करोड़ रुपए नंदी ने लिए, बोलती बंद है, पांडे प्लीज इमरान लतीफ आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट इमरान लतीफ आखिरी कमेंट, आखिरी 30 सेकंड बोलिए किस बात की, ठीक है आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी महत्वपूर्ण कि सरकार के एक साल की उपलब्धियों को लेकर यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे और 25 मार्च को विधायक सांसद सरकार का लेखा जोखा पेश करेंगे, सरकार अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हमने बेहतर किया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो रोड मैप के साथ हम आगे जा रहे थे उस पर काम कैसे हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात जनता सुखी है या नहीं है ये भी जरूरी है, मंत्रियों का जो रिपोर्ट है उससे जनता कहाँ तक संतुष्ट है ये भी जरूरी है, योजनाओं की समीक्षा वो भी जरूरी है, योजनाओं की क्रियान्वयन वो भी जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रोटी कपड़ा और मकान उसकी व्यवस्था के लिए सरकार क्या कर रही है वो भी जरूरी है, रोजगार को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, आवास को लेकर, क्रियान्वयन को लेकर, विकास को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर और भर्ती को लेकर सरकार कितनी सजग है इसकी भी रिपोर्ट आनी अभी जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड केवल एक साल की उपलब्धियों को दिखाना आवश्यक नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड आपको यह भी बताना होगा कि जो जो आपने योजनाएं लेके आई उनकी स्थिति क्या है, उन पर क्रियान्वयन क्या है और उन योजनाओं का इस समय परिणाम क्या चल रहा है, चाहे भर्ती को लेकर हो, चाहे आवास को लेकर हो, चाहे विकास को लेकर हो, चाहे रोडमैप को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो और चाहे नौकरियों को लेकर हो, आपको इसकी रिपोर्ट भी एक विशेष रूप से बनानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट करना होगा कि सरकार को अगर जनता ने मौका दोबारा दिया है, दोबारा यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई है, 10 को पुराने मिथक को तोड़ा है, तो जनता को क्या मिला है, कि जनता केवल सपने नहीं देखती, जनता को चाहिए है, केवल यहाँ पर बात करने से और क्रियान्वयन करने से उपलब्धियाँ गिराने से भी काम नहीं चलने वाला है, अगर बेहतर कार्य हुआ है तो वो नज़र भी आ रहा है और नज़र आएगा भी, बस बेहतर क्रियान्वयन के साथ समीक्षा भी जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अधिकारी जिस काम के जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही भी जरूरी है, तभी हम बेहतर कर सकते हैं, अन्यथा सरकार के मंसूबे तभी काम नाम नहीं हो पाएंगे जब तक अधिकारी उस पर अपनी मोहन नहीं लगाएंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस